बेटा बस में बैठने वाले मुसाफिर शिकायत करेंगे, देखो इसको आहिस्ता चलाओ। नहीं, कोई भी मुझसे आगे नहीं जा सकता। रुम, 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 रुम। उस दिन अम्मी लाउंज की सफाई कर रही थी। रुम, रुम, जान तुम थोड़ी देर अपने कमरे में खेलो, फिर जब मैं सफाई कर लूंगी तो वापस आ जाना। ठीक है अम्मी, चला जाता हूँ। बॉक्स का ध्यान रखना बेटा। अम्मी, ये क्या किया? ये मुझसे गिर गया। ठीक है। खैर कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है। तुम अपने कमरे में जाकर खेलो, मैं ये इकट्ठा कर लूँ, फिर यहाँ आकर खेल लेना, ठीक है? अम्मी जो बॉक्स लेकर आई थी, खेलते वक्त वो मुझसे टूट गया। अम्मी बहुत उदास थी। पता है दोस्त, मैं बहुत उदास हूँ। अम्मी को भी उदास कर दिया। क्या हुआ तुम्हें जान? मुझसे अम्मी का बॉक्स टूट गया। ओह, अम्मी को जो बॉक्स तोहफे में मिला था वो? जी, अम्मी बहुत उदास हैं। उदास ना हो जान, तुम अम्मी को खुश करने के लिए कुछ करो, वो खुश हो जाएंगी। अम्मी को खुश करने के लिए क्या करूं? भाईजान का आइडिया अच्छा था, अम्मी को खुश कर दूं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कैसे? अम्मी को कैसे खुश करना समझ में आ गया। उनके लिए एक नया बॉक्स बनाता हूँ। अम्मी देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। जल्दी जल्दी से बनाकर अम्मी को दिखाता हूँ। मुझसे बॉक्स का दरवाजा नहीं बना, इसे बनाने में मेरी हेल्प करेंगे भाई? क्यों नहीं जान, इधर लाओ बनाते हैं। अब तुम लाउंज में जाकर खेल सकते हो, मैंने सफाई कर ली। ठीक है, हर चीज साफ हो गई। लेकिन खेलने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। अच्छा, क्या दिखाना चाहते हो? ये देखें। वाह, ये बॉक्स बहुत प्यारा है। तुमने बहुत अच्छा तोहफा दिया मुझे। बहुत शुक्रिया मेरे बेटे। भाई की मदद से मैं अम्मी को खुश करने में कामयाब हो गया, और अब मैं खेलते हुए हर चीज का ध्यान रखूंगा। फिर बाद में क्या हुआ? वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं।